Students, now we understand the concept of the ignition delay and why it is affected because of the C10 number. So once the air fuel mixture is in a combustible air fuel ratio, means stoichiometric ratio, or we can say that the chemically correct air fuel ratio, जिससे बहुत जल्दी ना ज़्यादा lean हो ना ज़्यादा rich हो, और जिसकी वजह से जो फ्लेम डेवलपमेंट है और प्रोपेगेशन रेट है वो बहुत जल्दी से फैल जाए, और उससे पहले वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे फ्लेम को स्टेबल भी कर दे। तो जो ये पूरे पैरामीटर्स हैं और उसमें जो इग्निशन डिले जो होता है वो करीबन 0.4 to 3 मिली सेकेंड के पैरामीटर्स में चलता है, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर डेवलप होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, फिर टेम्परेचर के बाद प्रेशर डेवलप होगा, और ये दोनों पैरामीटर है ये इंजन स्पीड और कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड करते हैं। और यदि टेम्परेचर, प्रेशर, इंजन स्पीड एंड कंप्रेशन रेशियो डिले द इग्निशन टाइम ऑल्सो, यदि ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना इग्निशन डिले टाइम कम होता जाएगा। Furthermore, this will be depend on the fuel droplet size, injection velocity, injection rate and physical characteristics of the fuel produces very less effect on ignition delay time. So at higher engine speed, turbulence is increased, वॉल टेम्परेचर इज हायर, मतलब आपका इंजन एक बार चालू हो गया है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, उसके बाद जो कंबशन प्रोसेस जो बहुत बिगनिंग में था, जो 6 घंटे के गैप के बाद, या मैं जिसको बोलता हूँ कोल्ड स्टार्ट था, वैसा ना होके इट्स डिफरेंट फिनोमिना में चला जाएगा, जहाँ हर चीज बहुत फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स के साथ होगी, और एक्चुअल में वो इग्निशन डिले टाइम को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वहाँ फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा कि इंजन का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो सक्शन स्ट्रोक में फ्रेश एयर आएगा और जैसे ही वो कंप्रेशन को स्टार्ट होगा उससे पहले ही वो एयर कुछ टेम्परेचर को गेन कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, जिससे ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक बहुत जल्दी हीट होगी और अराउंड करीबन 650 डिग्री सेल्सियस पे जो फ्यूल स्प्रे होता है वो उस टेम्परेचर पे चलना शुरू हो जाएगा। सो हाउएवर इग्निशन डिले इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ साइकिल टाइम विच रिजल्ट्स कांस्टेंट क्रैंकशाफ्ट एंगल पोजीशन फॉर द कंबशन प्रोसेस एट ऑल स्पीड्स। इफ इंजेक्शन इज टू अर्ली इग्निशन डिले टाइम विल इंक्रीज बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी लोअर। इफ इंजेक्शन इज लेट the piston will move past TDC and pressure and temperature will decreases and again ignition delay time will increases. So it is important to use fuel with the correct C10 number for a given engine. जैसा मैंने आपको बताया C10 number इग्निशन क्वालिटी के बारे में बताता है, और जैसा आप जानते हैं कि डीजल फ्यूल बहुत विस्कस होता है, और यदि उसको 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम वार्म अप करेंगे तो उसका वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, और यही एक सबसे बड़ा सरप्राइज कारण है जो डीजल व्हीकल में अच्छी फ्यूल इफिशेंसी दिलवाता है, क्योंकि जब भी इंजन में जो फ्यूल जाता है हाई प्रेशर फ्यूल पंप से और जब वो रिटर्न होता है तो कुछ हीट लेके आता है एक्सेसिव फ्यूल, और उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण क्वांटिटी बढ़ती जाती है। So C10 number is a measure of ignition delay. If the C10 number is low, ignition delay will be too long. Means बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया, and a more than desirable amount of fuel will be injected into cylinder before combustion starts. So combustion then starts with a greater amount of fuel, and the initial cylinder pressure rise will be also greater. Obviously, this causes a very large initial force applied onto the piston phase and produce a rough engine cycle. If the C10 number is high, combustion will start too early before top dead center.
विद अ रिजल्टिंग लॉस इन इंजन पावर, बिकॉज पहले एक्सप्लोजन हो जाएगा और एक्सप्लोजन होने के कारण जो एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट रेसिड्यूल्स है, दोनों वॉल बंद है, कंप्रेशन स्ट्रोक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पिस्टन को रिवर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे पिस्टन के ऊपर, ताकि पिस्टन नीचे जाए और साइकिल में ऑब्स्टकल क्रिएट हो, जिससे हमें ऑप्टिमम पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा। सो नॉर्मल सीटें नंबर ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्यूल आर इन द रेंज ऑफ 40 to 60। इन इंडियन ऑपरेशंस नॉर्मली वी यूज अराउंड 60 to 70 नंबर्स ऑफ सीटें। सो इन दिस रेंज इग्निशन डिले टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीटें नंबर। द सीटें नंबर एंड ऑक्टेन नंबर ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन फॉर द मोस्ट ऑफ द फ्यूल। एज यू नो द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल इज यूज फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन एंड गैसोलीन फ्यूल, और वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन फ्यूल। सो सीटें नंबर्स कैन बी चेंज बाय ब्लेंडिंग विद द अदर फ्यूल्स। आप सीटें नंबर कम ज्यादा वेरी कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑफ द फ्यूल। ब्लेंडिंग इज द मिक्सिंग ऑफ द डीजल विद अनादर टाइप ऑफ ऑयल, नॉन एवोपोरेटिव ऑयल। जैसे आप डीजल को मैथेनॉल और एथेनॉल के कुछ मिश्रण के साथ मिला सकते हैं, या कुछ आप उसको जो अपना कुकिंग ऑयल होता है उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, और दैट मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल विद द डिफरेंट ब्रेंड ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल इज कॉल्ड द एडिटिव्स, एंड दीज एडिटिव्स एक्सेलरेट द इग्निशन बिकॉज ऑफ दे इंक्लूड द नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स एंड सम सल्फर कंपाउंड्स। एल्कोहल विथ इट्स हाई ऑक्टेन नंबर इज अ पुअर फ्यूल फॉर ए सीआई इंजन। सूट द फ्लेम पाथ इन ए सीआई इंजन इज हाईली नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है वो स्मूथ नहीं होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल थी वो एक हाई प्रेशर इंजेक्टेड फ्यूल के साथ जितना फास्ट रिएक्ट करेगी, जिस कॉर्नर पे भी रिएक्ट करेगी, वहाँ से वो नॉन यूनिफॉर्मली वो कंबशन चैम्बर के अंदर फैलता है। तो हो सकता है कहीं पे रिच फ्यूल पार्टिकल्स अवेलेबल हो जिसको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिला हो और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी नहीं पहुँच पाया, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। तो वो ऐसे पार्टिकल जहाँ जहाँ अवेलेबल होंगे, मतलब थिक ऑफ कार्बन क्रिस्टल, वो सूट प्रोड्यूस करेंगे। So when self-ignition occurs, the flame quickly spread in the combustion chamber that have an air-fuel mixture in a combustible ratio, मतलब correct air-fuel ratio में। So mixture with an equivalence ratio in the range of 0.8 to 1.5 will support combustion in a better way. But if the equivalence ratio is very, so in the combustion zone where the mixture is rich, there is a not enough oxygen to form stoichiometric or chemical correct air fuel mixture, the carbon dioxide produce some carbon monoxide and some solid carbon will produce solid carbon particles, which is further called as a, so in the very rich zone where air fuel mixture is just मार्जिनली कम्बस्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा लीन नहीं है, बस फ्लेम प्रोपेगेट या स्टेबल होने के लिए अच्छा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डीजल इंजन के कम्बशन में, कि एयर का टेम्परेचर हमें बढ़ाना बहुत एसेंशियल है, तभी हम फ्यूल को इग्नाइट करेंगे। लेकिन एयर के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी डेंसिटी लूज होती है और ऑक्सीजन मोल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, तो फ्लेम प्रोपेगेशन रेट उतना फास्ट नहीं होता है। सो एज द कम्बशन प्रोसेस प्रोसीड्स एंड द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द कम्बशन चैम्बर इज फर्दर मिक्सड by swirl and turbulence, most of the carbon particles further react and only a very small percentage of soot exit through the exhaust. If the air fuel ratio is lean in a CI engine, most of the carbon will find and react with the excess oxygen.
So even after the mixture leaves the combustion chamber, additional reaction take place in the exhaust system, further reducing the amount of the solid carbon.